वेलकम अंजुम के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आदाब दोस्तों, तो चलिए आज हम बना रहे हैं डाइट रेसिपी में बीफ, जिसमें हम बहुत कम मसाले इस्तेमाल करेंगे, एकदम लाइट सा बनाएंगे और इसे हम सर्व करेंगे स्टीम राइस के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बीफ। तो यहाँ दोस्तों हमने 1.5 किलो के करीब बीफ ले लिया है, देखिए इस तरीके से। और जब भी आप बीफ लें तो अंडर कट कर लें, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आप अगर कह दें तो आपको जो कसाब है वो अंडर कट का दे देगा। खैर, अगर वो अंडर कट का ना मिले तो आप जो भी है ले लें, जितना हो सके उसमें फैट बिल्कुल भी कम रखें। तो यहाँ पे हमने 1.5 किलो बीफ ले लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर डाइट रेसिपी में बना रहे हैं 3 से 4 टाइम का मील। तो चलिए सबसे पहले हमने इसे अच्छे से धो लिया और धो के हमने इसे रख दिया था ताकि जो भी इसके अंदर का खून वगैरह हो निकल जाए। और जैसा कि आपको एक और चीज़ बताती चलूँ मैं, कि अक्सर ऐसा होता है कि गोश्त जो है जल्दी नहीं गलता, तो आप उसे थोड़ी देर तक पानी में भिगो के रखिए ताकि जितना भी उसके अंदर खून है वो निकल जाए। जितना ज़्यादा खून आपके गोश्त के अंदर रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका जो गोश्त है, मटन है, वो हार्ड बनेगा। तो यहाँ पे हमने धो के रख दिया था खूब अच्छे से साफ करके। चलिए अब ले लेते हैं कुकर। तो यहाँ हमने कुकर ले लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं बीफ। तो ये सारा बीफ हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम डालने वाले हैं काली मिर्च, ज्यादा कुछ मसाले इसमें डालेंगे नहीं हम। तो यहाँ पे हम ब्लैक पेपर ले रहे हैं, तो वो हम 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 अदद प्याज। प्याज से बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाती है, तो आप इसे रफली कट कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसे बारीक बारीक सा कट करें, क्योंकि इसे उबलना ही है तो उबलते हुए अच्छे से गल जाएगी, लेकिन प्याज काली मिर्च ज़रूर डालें। तो ये हो गया। अब हम इसमें साथ में डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट। तो ये भी चला गया इसमें। अब इसमें जाएगा हसबे जायका नमक। गोश्त अक्सर नमकीन होता है तो नमक आप देख के ही डालें। हम 1 टीस्पून के करीब डाल रहे हैं इसमें, ये इनफ होगा। अगर बाद में ऐसा लगा कि कम हो रहा है तो ऐड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। अब इसमें जाएगा पानी, क्योंकि ये बीफ है तो बीफ थोड़ा सा हार्ड होता है, तो पानी हम ज़्यादा डालेंगे। तो हमने इतना पानी इसमें डाल दिया कि जो बीफ था वो इसमें डूब गया है। एक बार इसे मिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया। अब इसके कवर को लगा के हम कम से कम 6 से 7 सीटी देंगे, और 6-7 सीटी में प्रेशर को खुद ब खुद निकलने देंगे, जिससे ये जो बीफ है खूब अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम रख देते हैं गैस पे और फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे प्रेशर ख़त्म हो चुका है। हमने कम से कम 6 से 7 सीटियाँ इसे दिया, माशाल्लाह से बिल्कुल सही है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही है, पानी बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी ज़्यादा हो गया है तो आप इसको थोड़ी देर तक पका के इस पानी को आप कम कर लीजिए, देखिए। और बहुत अच्छे से ये गल भी चुका है, देखिए। इतना जूस रहना ही चाहिए, क्योंकि ब्राउन राइस के साथ इसे हम सर्व करने वाले हैं, तो इतना रहेगा। बहुत उम्दा सी खुशबू आ रही है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्राउन राइस बनाया है, क्योंकि हम डाइट रेसिपी बना रहे हैं इसलिए। और आपके ट्रेनर पे डिपेंड करता है, वो अगर आपको कहे कि आपको ब्राउन राइस खाना है तो आप ब्राउन राइस बना लें, अदरवाइज आप स्टीम राइस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस ये होता है कि आपको कितने ग्राम खाना है। आपको 100 खाना है, 150 खाना है, उस हिसाब से आप बीफ और चावल की क्वांटिटी रखें। और ये जो अभी बनाया है हमने बीफ, इसमें बिल्कुल भी कोई ऑयल डाला ही नहीं है, तो बहुत ही उम्दा सी, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये। तो ये हो गया, क्योंकि बीफ में भरपूर प्रोटीन होता है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसे, यहाँ पे रख देंगे हम। तो यहाँ पर हमें एक बड़े बाउल में निकालना है ये, क्योंकि हमारे बेटे साहब ने कहा है 150 ग्राम चाहिए है उन्हें, तो इसलिए हमने जो राइस था जो सेंटर में रखा था वो हमने अब साइड में कर दिया। तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा जायके के लिए हम डाल देंगे हरा धनिया। देखिए बहुत मज़ेदार सा हमारा गोश्त तैयार हो गया है बिना ऑयल का। बस थोड़ा सा डाल देते हैं इस पे हरा धनिया और थोड़ा सा साथ में रख देते हैं सलाद। तो लीजिए, हमने साथ में ककड़ी और गाजर भी रख दिया। तो ये पूरा हमारा हो गया है
डाइट मील तैयार। 150 ग्राम के करीब यहाँ पे बीफ है और 100 ग्राम जो है वो है ब्राउन राइस। तो दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, विदाउट ऑयल है। तो फिर मिलते हैं इस आसान सी रेसिपी के साथ। आप मज़े लूटिए और मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक मज़ेदार सी, हेल्दी सी, लेकिन बहुत ही जल्दी से झटपट से बन जाने वाली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।